मैं जामा मस्जिद, यहाँ अकबर बादशाह उस ज़माने में नमाज पढ़ता था। अकबर यहाँ का बादशाह था, शहनशाह, और आज भी लोग यहाँ पर प्रे करते हैं 5 times का। इस मस्जिद का सेम कॉपी मंगाया सऊदी अरब से, ठीक है। वाइट जो आप देख रहे हैं वो दरगाह है सलीम चिश्ती का, अकबर के गुरु जी का। अकबर बादशाह यहाँ 1579 में आया था, अपनी वाइफ के साथ आया था। उस वाइफ का नाम था जोधाबाई। अकबर का पहला कैपिटल आगरा फोर्ट था। अकबर को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अकबर को बाद में एक चीज़ का प्रॉब्लम हुआ, वो बेटा का। अकबर को तीन रानी से अकबर बादशाह को बेटा नहीं था। तो अकबर बादशाह अपनी रानी के साथ आगरा फोर्ट से पैदल चलकर आया था, विदाउट शूज, वाई वॉकिंग। और अकबर जब यहाँ आया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था, दिस ऑल माउंटेन एरिया। यहाँ सूफी संत बाबा बैठकर ईश्वर के लिए इबादत करते थे, प्रार्थना। अकबर ने बाबा से बोला कि बाबा, मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास औलाद नहीं है। अकबर ने बोला कि आप बाबा मेरे को आशीर्वाद दो कि बेटा हो जाए। सलीम चिश्ती बाबा ने रानी जोधाबाई को आशीर्वाद दिया। बाबा के आशीर्वाद से जोधाबाई को एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम जहांगीर बादशाह रखा था अकबर ने। जब अकबर को औलाद पैदा हुई तो बेटे के पैदा से खुशी में अकबर ने ये पूरा फतेहपुर सीकरी किला बनाया। 12 साल लगे थे इसको बनाने में। दरगाह जो आप देख रहे हैं, ये दरगाह उसी ज़माने की है, 500 साल पुरानी दरगाह है। आज भी यहाँ पर सभी धर्म, सभी मज़हब के लोग दरगाह पर जाते हैं। हस्बैंड वाइफ मिलकर अपने फैमिली के नाम से वहाँ दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। चादर तो आप समझते होंगे, हाँ जी। चादर पर सीधा से गुलाब के फूल डालते हैं, मन्नत करते हैं मुराद। अपनी चादर से धागा टच कर अंदर जाली हैं बाबा की मुबारक, वहाँ मन्नत का धागा बांधते हैं। एक बंदा बाबा की दरगाह पर वहाँ 3 मुराद मांगता है, 100% आज भी विश पूरी होती है। लेकिन जो भी विश आप मांगें, अपनी विश को मन में रखें, सीक्रेट करें और सेपरेट करें। एक बंदा 3 मन्नत करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। आप अपने लड़के के लिए करो, अपने फ्यूचर के लिए करो, बहन भाई की शादी के लिए करो, घर में प्रॉब्लम है उसके लिए करो, कुछ भी विश कर सकते हैं बाबा की दरगाह। जब बाबा आपकी विश पूरी कर देंगे तो जहाँ भी आप रहते हैं अपने शहर के अंदर, बाबा का नाम लेकर 2 साधु लोगों को वहाँ खाना खिला दीजिए, प्रसाद बांट दीजिएगा। धागा खोलने आपको यहाँ वापस नहीं आना। दरगाह में चादर इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि वहाँ रशीद नहीं काटी जाती है, चादर का दान होता है। बाबा फैमिली के लोग चादर का चैरिटी लेते हैं, उसको इकट्ठा कर आपके नाम से गांव के अंदर डोनेशन करते हैं, बांट देते हैं। उसका जो पैसा होता है बाबा का, भंडारे के लिए पैसा जाता है चादर का। छोटे कमरे आप जो आप देख रहे हैं, ये सब स्कूल थे उस ज़माने के, यहाँ बच्चे पढ़ते थे। ये उस ज़माने के फारसी लैंग्वेज के स्कूल थे। अबुल फजल बच्चों के टीचर थे, जिन्होंने किताब लिखी थी अकबर के ऊपर, आईने अकबरी। अकबर बादशाह यहाँ 16 साल रहा था, उसके बाद में आगरा फोर्ट चला गया, क्योंकि अकबर बादशाह को यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम थी। पानी की वजह से